छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बसदेहड़ा स्टेडियम से ड्रग फ्री हिमाचल मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन बसदेहड़ा से आरंभ होकर भटोली से बनगढ़ होते हुए वापस बसदेहड़ा स्टेडियम में संपन्न हुई। इस अवसर पर सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि मैराथन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना है तथा शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए प्रेरित करना है। वहीं खेलों से उनमें अनुशासन की भावना जागृत होती है। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान हमें अनुशासन सिखाते हैं, इसलिए युवाओं को खेल के मैदान तक लाना आवश्यक हो जाता है। सत्ती ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऊना विधानसभा क्षेत्र को 4 स्टेडियम की सौगात दी है, जिनमें से 2 स्टेडियमों का शुभारंभ हो चुका है तथा 2 खेल स्टेडियमों का निर्माण कार्य जारी है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर युवाओं को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति बनाई है, जिसमें खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है। मैराथन के माध्यम से हम लोग युवा शक्ति में यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त अगर रहना चाहते हैं तो नशों से दूर रहकर के खेलों के मैदानों से जुड़े और उसी से हम लोग अपनी सेहत भी ठीक रख सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। ये सहगात संस्था के माध्यम से अच्छा एक प्रयास किया गया है, आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है, तो इसमें बच्चों में काफ़ी उत्साह है और पहली बार जहाँ हमारे एरिया में ये हो रहा है तो मैं बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उसी कड़ी में आप लोग देखेंगे बड़ी उम्र के लोग भी जा सकते हैं। मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई और सागर संस्था के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल जी, पूरे हिमाचल प्रदेश में तो अनेकों काम प्रदेश सरकार ने किए अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन अगर हम लोग खेलों की दृष्टि से देखें तो विशेष रूप से ऊना विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने 4 बड़े स्टेडियम पिच स्टेडियम के बसदेहड़ा में जहाँ हम लोग खड़े हैं ये बना करके दिया, और 3 स्टेडियम जलग्रहण बनाला और देला, इनके 2 देला का चल भी रहा है, शुरू हो गया, 2 स्टेडियम बन रहे हैं और आने वाले समय में और भी कई स्टेडियम का पैसा हम लोगों ने मांगा है, पूरी स्टेडियम बना करके देंगे। तो उसके साथ साथ खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जो नौकरियों के बीच आरक्षण रखा गया है उससे भी खेलों को और बढ़ावा मिल रहा है। उसी के साथ साथ जो स्कूलों के कॉलेज की हमारी गेम्स होती थी उनकी डाइट मनी एक रहती थी बहुत कम थी, खाना भी बच्चे पूरे ढंग से नहीं खा पाते थे, उसमें भी बढ़ावा दिया गया। ऐसे अनेकों कदम प्रदेश सरकार ने उठाए और आगे भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम सब लोग इसी तरह से खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलते रहे।